Salam, Namaste. This is me, Nafisa Saleem. Again with the another Vakjodi video of today. So cut kar isko. So yeah, this is me again in front of you with this manhoos hairstyle. I have just tried it new, na? बिल्कुल. रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं. नाम है. नाम नहीं बताऊंगी, नाम तो सबको पता ही है. सो खैर या आई डोंट नो अभी क्या बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं. सो 3-4 बज रहे होंगे. एंड दिस गर्ल वॉज स्टडिंग सो हार्ड, ट्राइंग टू स्टडी सो हार्ड. उसमें से मैं 5-6 घंटा तो रील देख रही थी. उसके बाद मैंने थोड़ा यू नो प्रोडक्टिव होने की कोशिश की. देन आफ्टर दैट मैं बाहर आई, और बाहर आते आते आपको पता है बिल्ला कैसे प्रेगनेंट थी, जो बिल्ली उस वाले ब्लॉग में प्रेगनेंट थी, उसके 6 बच्चे. 6 नहीं थे एक्चुअली, 3 का कलर अलग था. आई डोंट नो उसके 3 या 4 बच्चे हुए हैं. और वो ये जो वाला फ्लोर पीछे दिख रहा है ना, वहाँ पे, और मुझे ऐसे देख रही थी ना वहाँ से, लाइक वाह मेरा पुराना आशिक. एंड शी वॉज स्टेयरिंग मी फ्रॉम देयर, एंड आई वॉज लाइक इधर इधर आओ उधर आओ. वो ना पूरा कर्टन बाहर निकाल के ग्रिल से देख रही है, मैं रोड के उस पार कैसे जाऊँ, उसे कैसे मिल पाऊँ, क्या करूँ. साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल भी कर. नो लेट मी शो यू दिस. कहाँ गई यार, ओ देयर शी, वेट. देखो देखो उसने गर्दन मारी, ये वाली. तुम मुझसे इतनी दूर क्यों, अब जंप नहीं करना रोड, ये रोड के उस पार है, लाइक नेक्स्ट साइड. हाय हाय हाय, आई एम हियर. शी इज फाइंडिंग वेज. आई थिंक मैंने कहा था बे ऑफा निकलेगी, बट बे ऑफा नहीं निकली, ठीक है. सो या आई हैड टू शेयर दिस थिंग लास्ट टाइम. पता नहीं किसको मतलब बुरा लग गया था, ही वॉज ऑफेंडेड कि तुमने पार्वती क्यों इसको बोला. लाइक सीरियसली मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता कि किसी को नीचा दिखाओ या किसी के रिलीजन को ऐसे मॉक करूँ. इट्स नेवर माई थिंग, लाइक नेवर एवर. मैंने कभी ऐसा कभी ख्वाबों में नहीं सोचा कि मैं किसी को ऐसा करूँ, बट लाइक इट वॉज अ फन पार्ट. जैसे हिंदुस्तानी हमारे सीरियल्स में ऐसा दिखाते हैं ना पार्वती, या मोस्ट ऑफ द फिल्म्स में होता है, मैंने वैसे उस वे में बोला था. बट उसको पता नहीं क्यों तो ऑफेंसिव हो गया बंदा वो, और फिर मुझे उसको माफ़ी बोलना पड़ा, मतलब माफ़ी मांगना पड़ा उससे. और मैंने मांग भी ली, इसमें बुरा ही क्या है. मतलब चलो ठीक है भाई, मैंने वैसा नहीं बोला था, बात ख़त्म करता हूँ. और पूरी पी ली यार. मेरा पेट है ना ब्लोट कर गया है. सो अब मेरे पास कुछ है नहीं करने को, देखो. और तुम लोग ना वैसे करके भी क्या फ़ायदा, तुम लोगों से मुझे इतनी शिकायतें हैं ना, मतलब तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, मतलब इतने कितने महीने हो गए और मेरे मुश्किल से अभी 317 सब्सक्राइबर हो गए, तुम सब्सक्राइब क्यों नहीं करते. अरे उंगलियों में दर्द है, पोलियो हो गया उंगलियों में, या फंगल इन्फेक्शन हो गया है, या तुम्हारी उंगलियां नहीं चल रही. जेलस, जल्दी से सब्सक्राइब करो. मैं तो आगे ब्लॉग नहीं बढ़ाऊंगी तो सब्सक्राइब नहीं करोगे. सब्सक्राइब राइट नाउ, समझ रहे हो. अभी वीडियो पॉज करो, नीचे जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, देन उसके बाद मैं कुछ बोलूँगी, ठीक है. और ये जेंडर रिमाइंडर था, जैसा जेंडर रिमाइंडर तुमने आज तक अभी नहीं देखा होगा. सो दिस इज़ इट, पहले सब्सक्राइब करो मेरा वो चैनल, ठीक है. हाँ ज़बरदस्ती है, अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रही, ज़बरदस्ती है तो है बस. हाँ ज़बरदस्ती है, सब्सक्राइब करना है तो बस करना है बस. मैं पागल हो गई हूँ जैसे यार, प्लीज़ डोंट. एक्चुअली अकेले रहने के असरात हैं. सो आई डोंट नो व्हाट टू से. और ये बिल्ले मुझे वापस देख रही, मुझे इतना प्यार आ रहा है इन पे, काश मैं इनके साथ कुछ इनको जैसे हग करती या इनको चीज़ करती या अपने पास रखती, बट आई कांट. गेस व्हाट, आई हैड टू शेयर दिस थिंग. आई एम डूइंग सम सीआईडी शिट राइट नाउ, आई कांट रीड द थिंग. इंशाल्लाह अगले व्लॉग में ज़रूर बोलूँगी कि मैं ऐसा क्या खूफिया हरकतें कर रही हूँ. लाइक सीरियसली मुझे इतनी अच्छी स्टोरी अभी एक्सप्लेन करनी है ना अगले व्लॉग में, मतलब काश मैं बस सफल हो जाऊँ. बस अभी प्रोसेस में हो रहा है, मतलब जो भी काम चल रहा है अभी प्रोसेस में है, बस उसको समझो कि बदला, यू नो
पतला लेके रहेगी माया। वैसे भी आजकल माया से कम नहीं लग रही हूँ ना, बिल्कुल भूत लग रही हूँ। सो या इंशाल्लाह अगले व्लॉग में सारा रिवील करूँगी मैं कि मैं क्या खुफियाती क्या बोलते हैं इसको, खुफिया हरकतें करने वाली हूँ, मतलब कर रही हूँ। द थिंग इज स्टिल इन प्रोसेस, सो आई लेट यू नो ऑल। आई एम वेरी हैप्पी। एक अल्लाह ताला कहाँ से रास्ते निकाल लेता ना इंसान के लिए। आई एम सो लिटरली डैम हैप्पी अबाउट दिस थिंग। अभी बस मैं जस्ट कैच अप विद दिस, देन आफ्टर दैट। अभी पता क्या हुआ, मैं बस अभी देख रही थी लोगों को कैसे मतलब आ रहे जा रहे स्कूल से, मतलब तो एक माँ अपने बच्चे को लेके, उसके शायद बच्चे को मतलब लगी हुई थी, चाहे उसका बाजू बिल्कुल फ्रैक्चर था, और वो स्कूल से आ रहा था, उसकी माँ उसके पीछे थी, उसका टिफ़िन उसका बैग जैसे उठाया हुआ वो चल रही थी। मैं उसको देख के ना मुझे अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आई, और मैं सोच रही थी एक बार मतलब माएँ कितनी वो होती है ना, मतलब इतनी शफ़क़त होती है उनमें कि कभी कभी हम क्या होता था, हमारा ब्रेकफास्ट हमेशा मिस होता था। जब मतलब हमारी स्कूल बस की टाइमिंग होती थी, हमेशा लेट होते थे, और हमें हमेशा इस बात पर हमेशा डांट पड़ती थी। और मुझे याद है कि अम्मी ना नंगे पाँव दो एक बार दौड़ दौड़ के आई, और उसने हमारे बस ड्राइवर को रुकाया, उसको बोला रुकने के लिए। मतलब वो पता हमारी बस कितनी लंबी होती है, इंसान अगर पीछे से आवाज़ भी दे तो ड्राइवर सुनता भी नहीं है। और मम्मी वाज कि नंगे पैर दौड़ते दौड़ते, और मुझे लगा पता नहीं क्या छूट गया, ऐसा क्या है। तो जब मम्मी ने गाड़ी रुकाई और वो गाड़ी के अंदर आई, और वैसे बोल रही हमें कि उसके हाथ में लिटरली चार अंडे थे, अंडे एग्स, वो एग्स देने आई थी बड़ी स्कूल बस को रुका के, नंगे पाओ तुमने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया तो तुम ये खा के चले जाओ। और फिर मतलब बस में बाकी सब बच्चे हंस रहे थे कि देखो इनकी माँ, इनने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ऐसा वैसा। खुद को देखो ना यार, चार अंडों के लिए, चार अंडे मतलब बहन भी मेरे साथ होती थी, दो उसके लिए दो मेरे लिए। सो दीज थिंग्स इज काइंड ऑफ मिसिंग देम। बस उसको देख के अपनी माँ की याद आ गई, मॉम आई लव यू एंड आई मिस यू मॉम। चलते हैं अंदर। अब गेस व्हाट, आई फाउंड इट वन मोर बिल्ला। भागना नहीं प्लीज़, प्लीज़ भाई भागना नहीं, भाग, अरे भाग, वापस आ जा। He literally fled away. This is how they make it. Some butter and aloo ka kuch, mujhe pata nahi kya bola isse, mujhe yaad nahi raha. Chuna zindagi nahi but wada mut. I came to eat this. जैसे गॉड मुझे रोना आ रहा है, मेरे को बहुत क्राई आ रहा है, बट नो आई डोंट हैव टू क्राई, सो दिस इज इट, आई एम हैविंग दिस अकेले अकेले ऑन द रोड साइड, यू नो। पता नहीं मेरे पेट में गुलू गुलू क्यों हो रहा है, सच में मेरा पेट बहुत ख़राब है, मतलब मेरा पेट बहुत ख़राब है, मतलब अच्छे ज़्यादा ख़राब है। और अभी अभी मैं डोसा खा के आई हूँ ना, गॉड गैस वर्ड। अभी 8:30 बजे यहाँ पे डिनर हमें दिया जाता है, और दिस इज़ गाजर, लिटरली आई कैन सी द अनियंस एंड द कैरेट, जिसमें मतलब अब क्या ही वहीं क्या वन वो वहीं, ये और चपाती है डिनर के लिए, लॉल। और यस आई नो, इसके साथ साथ जो मेरे दोस्त लोग मुझे चिढ़ाते हैं ना कि अब मतलब कैसा खाना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सो आई नो कि ये देख के आप और ज़्यादा चिढ़ाओगे, बट डोंट माइंड ना, I have to eat this. I am a human being. I need to, you know, have something. So this is it. And guys, I literally have nothing to do after this. I'll just sleep. And yeah, we'll keep you updated with my next vlog. And yeah, don't forget to subscribe. Just subscribe. Bye. See you.